नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। डायरेक्टर एसपी द्विवेदी ने कहा कि क्वालिफिकेशन के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है और आगे भी रोजगार मेला लगाकर इसी तरह चयन किया जाएगा। वहीं कंपनियों का इंटरव्यू के बाद नौकरी पर रखने के कुछ समय बाद ही निकाल दिया जाता है। इस प्रकरण को लेकर भी उन्होंने इस संबंध में जानकारी से इनकार किया और कहा कि अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जो बच्चे काम नहीं करना चाहते वही काम छोड़कर कंपनियों से भागते हैं। वहीं उप निदेशक आरएस भारती ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के युवा को किसी न किसी क्षेत्र में रोजगार की जरूरत है। रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार देंगे और ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश में सेवा जन के माध्यम से लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार देंगे और बेरोजगारी को उत्तर प्रदेश से दूर करी जाएगी। क्या नाम है आपका? सर जयप्रकाश पांडे नाम है मेरा। जी जयप्रकाश जी, कहाँ से आए आप? सर मैं अहिरवा से आया हूँ, अहिरवा कानपुर। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे खड़े हैं? मैं अभी रोजगार मेले में खड़ा हूँ यहाँ पे कार्यालय में। जी यहाँ पे आज रोजगार मेला लगा हुआ है। रोजगार मेला लगा हुआ है। जी हाँ, क्या समस्या है? सर यहाँ पे रोजगार मेले के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जो कि 6 से 9 तारीख तक आपको अपना CV सबमिट करना था। जी जी। लेकिन आज जो हम यहाँ पे आए, सभी बच्चे आए यहाँ पे, जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो जो जिसका CV जमा है उनको भी और जिसका नहीं जमा है उनका भी आज 10 तारीख को भी CV सबमिट किया जा रहा है और हम लोग के साथ में ही उनका भी इंटरव्यू कराया जा रहा है। जी, जी, जी। और एक ड्यूरेशन, एक टाइम नहीं है कुछ भी। जी, 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 जी। किसी का नंबर भी कंफर्म नहीं है कि हाँ किसी का एक नंबर पे, दो नंबर पे, जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग आप लीजिए सबका इंटरव्यू। लेकिन जिसका 60 है उनका भी पहले जा रहा है, जिसका 128 उनका भी पहले जा रहा है। जिनका नहीं है, जिसका नहीं है उनका CV लेकर के साथ में इंटरव्यू करा दिया जा रहा है। ये सब प्रॉब्लम सर आ रही है। आपका? सर मेरा नाम शुभम खरे है। जी शुभम जी, क्या समस्या है? क्या सर? हम लोग का बीटेक किए हुए और 6 से 9 में जिस सर ने बताया टाइम दी हुई थी। जी जी, किस कंपनी के लिए था आपका? सर मैं रेवेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, तो क्या समस्या आ गई? सर मैं रिज्यूमे, मेरा CV जो है पहले सबमिट हो चुका है और मेरे को यहाँ आए हुए 2 घंटे से ज़्यादा हो गए लाइन में लगे हैं और कुछ सिस्टम नहीं कि मतलब आप पहले आई, कुछ नहीं। जिनका CV सबमिट है उनको भी मतलब नहीं बुलाया जा रहा। संबंधित अधिकारी को आपने अपनी बात कही कि हमें ये समस्या है? सर मैं और एक और जने वो कहने गए थे पर वो लोग कह रहे हैं आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और उसका कोई मतलब टाइम नहीं है, मतलब कब आएगा। क्या नाम है आपका? श्रीकांत पाल। जी श्रीकांत जी, किस पद के लिए इंटरव्यू देने आए थे? किस सर्वेयर पंचायत के लिए। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ इंटरव्यू में? क्या उसमें बताया गया है कि टारगेट सेलिंग करनी है और उसमें कई पद दिए गए हैं जैसे ट्रेनी, टेलीकॉलर, ड्राइविंग। तो मैंने ड्राइविंग के लिए पूछा तो बोले कि ड्राइविंग का कोई काम नहीं है इसमें, सिर्फ टारगेट सेलिंग का काम है। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या समस्या है इसमें? समस्या ये है कि जब उसमें पंचायत सर्वेयर बोला गया है तो वो टारगेट सेलिंग क्यों बता रहे हैं? संबंधित अधिकारी साहब ने बात की यहाँ के? जी अभी तो नहीं। मैं RS भारती, उप निदेशक सेवा युगम कानपुर लखनऊ क्षेत्र। सर रोजगार के बारे में कुछ बताइए, जो आप हमेशा दौरे पर रहते हैं वहाँ क्या देखने को मिलता है और एज आप इस पोस्ट पर होने के नाते क्या क्या परिवर्तन लाए हैं? जैसा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि प्रदेश का जो युवा है वह बेरोजगार न रहे, उसे कुछ न कुछ सरकारी क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में उसको रोजगार के अवसर मिले। इस दिशा में प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश के सेवा युवक कार्यालयों रोजगार मेलों का आयोजन कर प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को निजी क्षेत्र में समायोजित करने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। उसी के क्रम में सेवा एवं कार्यालयों द्वारा, जैसा कि आज आपने देखा टहल के कानपुर क्षेत्र के कार्यालय में प्राइवेट सेक्टर की 12 कंपनियां आज यहां प्रतिभाग कर रही हैं और बड़ी संख्या में लगभग 2500-3000 बच्चे आज इंटरव्यू दे रहे हैं। इनमें से 1900 वैकेंसियाँ आज कानपुर के लिए खुल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी संख्या में बेरोजगारों का चयन आज होगा। इसी तरह से पूरे प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों का प्राइवेट सेक्टर में समायोजन हो रहा है जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप है। उनके निर्देशों के क्रम में पूरा प्रदेश सेवा एवं कार्यालय अधिकारी और कर्मचारी निरंतर प्रयत्नशील हैं और बड़ी संख्या में बेरोजगारों का समायोजन हो रहा है। सर आप एक सम्मानित पद पर हैं और कई जिले आपके अंडर में आते हैं, तो कानपुर जिले के लिए यहाँ के बच्चों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या नया लाए हैं, क्या कुछ इस तरह का है सर आपके? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने पूर्व वक्तव्य में बताया कि प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि सरकारी क्षेत्र में सेवा आयोजन के अवसर सीमित हो गए हैं
और सबको रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, व्यवस्था सबको होनी चाहिए, तो उस दिशा में प्राइवेट सेक्टर एक व्यापक बड़ा क्षेत्र है और बड़ी संभावना है। और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के संपर्क में भी हम लोग हैं और प्रदेश सरकार भी प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को निर्देशित कर रही है कि सेवा योजन कार्यालयों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ हर प्रकार के शिक्षित और टैलेंटेड लोग स्किल्ड बेरोजगार यहाँ पंजीकृत हैं, तो गवर्नमेंट के निर्देश के अनुरूप बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी अब सेवा योजन कार्यालयों का रुख कर रही हैं और यहाँ से शिक्षित बेरोजगारों का समायोजन हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और बड़ी संख्या में बेरोजगार समायोजित होंगे और अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, उनके मन में ये बात हमेशा रहती है कि उत्तर प्रदेश सरकार अभी किसी तरह का रोजगार नहीं है, किसी तरह का मतलब एक अपने आप को बेरोजगार महसूस करती है यहाँ के युवा लोग, उन युवाओं को आप एक आसीन पद पे क्या संदेश देना चाहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे सर? मैं उत्तर प्रदेश के रोजगार मतलब बेरोजगार जो युवा युवतियाँ हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके भविष्य के उनका सुनहरा भविष्य हो इसके लिए निरंतर प्रयत्नशील है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम एवं सेवा योजन आयोग की स्थापना की और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलाधिकारी और कमिश्नर CDO को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक सप्ताह महीने में लगभग 4-5 मीटिंग जिला के सेवा योजन अधिकारियों और जिले के अन्य अधिकारियों की मीटिंग लें और जिले में जितने भी सेवा योजन के अवसर हैं जो भी उपलब्ध हो रहे हैं बेरोजगारों को दें। और उस दिशा में सेवा योजन कार्यालय के अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय से संपर्क कर और उनके निर्देश में जो भी अवसर बन रहे हैं जिले में और जिले में जो अवसर बन रहे हैं और बाह्य जो प्रदेशों और बाह्य स्थानों से भी अवसर हम लोग तलाश कर और यहाँ ला रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के नियोजकों को यहाँ आमंत्रित करके और बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को खासकर जो एक्टिव हैं जो स्किल्ड हैं उनके लिए तो अपार संभावनाएं हैं और बड़ी संख्या में लड़के जा रहे हैं और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। सरकारी क्षेत्र में जो अवसर मिल रहे हैं वो तो मिल ही रहे हैं लेकिन निजी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और दिशा में प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुरूप हम लोग कार्य कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके समायोजन का प्रयत्न जारी है। ठीक सर, कौन कौन सी कंपनियाँ आई हैं? आज में 11 कंपनी आई हुई है जी, और ये कंपनी 1967 जी जगहों के विरुद्ध आज भर्ती करेंगे जी। जी सर, हमारे यहाँ प्रति माह 2 रोजगार मेला लगाए जा रहे हैं जी। जी जी, अब तक 18 रोजगार मेला लगाए जा चुके हैं जिसमें 3000 से अधिक बेरोजगारों का चयन किया जा चुका है। आज भी 1967 जगह हैं, मुझे आशा है कि कम से कम 400 से 500 आज भी नियुक्तियाँ की जाएंगी। सर, ये कंपनी का सैलरी वगैरह किस हिसाब से और ये जो बच्चों के इंटरव्यू हो रहे हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन 8000 से लेकर के 22000 तक की सैलरी कंपनी आई हुई है जी, और ये ले जा करके उनका चयन करेंगे और उनको काम कराएंगे, उनका सैलरी देंगे। अच्छा अच्छा सर, यहाँ से इंटरव्यू होने के बाद कंपनी अपने कैंपस में भी बच्चों का इंटरव्यू लेती है? कोई कोई कंपनी अपना उनका सिस्टम होता है, एक प्रोसेस में दो प्रोसेस में कर लेते हैं, ज़्यादातर कंपनी अपना यही चयन कर लेती है। जिन कंपनीज में सैलरीज हाई है अगर उनको लगता है कि हमको एक बार और इसका प्रैक्टिकल टेस्ट लेना चाहिए तो ले जा करके अपने यहाँ उसका दोबारा टेस्ट भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर चयन यही होता है। अच्छा सर, कुछ बच्चे बताते हैं जैसे कंपनी यहाँ से ले जाती है और 2-3 महीने रखती है फिर जो है बाहर कर देती है, तो ये सर क्या इस तरह की शिकायतें मेरे पास नहीं आई हैं। लड़के खुद ही उग जाते हैं क्योंकि कंपनी प्राइवेट कंपनीज उससे काम लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो लड़के काम नहीं किए रहते उनको काम करने में परेशानी होती है जी जी, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। हमारे पास कोई इस तरह की शिकायत नहीं आई है कंपनी ने इन्हीं लड़कों को निकाला है, या कोई लड़के मेरे पास एक शिकायत लेकर के अभी तक तो नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके पहले सर जो कंपनी आई थी उसमें मिनिमम कितने बच्चों को रोजगार दिया गया था? इसके पहले कंपनी आई थी टोटल 400 के आसपास पिछले महीने में दिया गया था जी, और इसी के आसपास मेरा अंदाजा है कि इस बार भी 400-500 कम से कम चलित होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, जगह तो मेरी ज़्यादा है जी। अभी 2000 स्तर के ऊपर आ गए हैं, अभी लड़कों का कार्यक्रम लगा हुआ है, अभी शाम तक ये प्रक्रिया चलेगी और
सर, चूँकि आप एक अधिकारी हैं, सेवायोजन अधिकारी हैं, और बच्चे हमेशा आपके टच में रहते हैं, तो एक आंकड़े के हिसाब से बेरोजगारी का आंकड़ा है, इस पे आपका सर क्या कहना है? बेरोजगारी का आंकड़ा है कि जो हाई स्कूल रजिस्टर्ड हैं वो भी मनोरंजन कराते हैं, अच्छा अच्छा, जो नहीं पढ़े वो भी कराते हैं, टेंथ पास है वो भी कराते हैं, ग्रेजुएट सब कराते हैं, लेकिन रोजगार के चांसेस तो थोड़ा एजुकेशन के बाद ही होते हैं। आज की तारीख में स्किल्ड जो लड़के हैं जिनके अंदर कुछ हुनर आ गया है उनको रोजगार के चांसेस ज़्यादा हैं, और जो लड़के सिंपल अभी हाई स्कूल इंटर बीए एमए ग्रेजुएट सिंपली हैं उनके थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन जो स्किल्ड पर्सन हैं और सरकार इस पर विशेष जोर भी दे रही है, कौशल विकास मिशन के माध्यम से बहुत सारे लड़कों को स्किल्ड बनाया जा रहा है और उसके माध्यम से कंपनीज उनका चयन कर रही है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को जो एक बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इस प्रकरण को लेकर आपका क्या कहना है? इसमें मेरा यही कहना है कि लड़के मेहनत करें और सरकार के द्वारा जो पूरा ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें ट्रेनिंग में भाग लें और अपने हुनर को बढ़ाएं। हुनर को बढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लड़के बेरोजगार नहीं रहे, क्योंकि कंपनीज जो भी हैं वो हुनर में लड़के चाहती हैं, तो लड़के थोड़ा प्रशिक्षण पर ध्यान दें, अपने स्किल को बढ़ाएं, स्किल बढ़ाने के बाद निश्चित रूप से उनको कहीं ना कहीं रोजगार प्राइवेट कंपनीज में, सरकारी विभाग में, और अगर दोनों में नहीं हो पाता है तो खुद का रोजगार वो विकसित कर सकते हैं, खुद का अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इंडियन प्राइम न्यूज़ में। आज हमें उत्तर प्रदेश के कानपुर के सेवा योजन कार्यक्रम जी हम दिखाएंगे, ये भीड़ दिखाएंगे, यहाँ पे जो बच्चे खड़े हैं इनमें कोई बीटेक एमटेक और हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोजगार मेला लगा हुआ है जिसके संबंध में यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर से भी बात हुई, यहाँ के जो निदेशक उनसे भी बात हुई, उनका साफ साफ कहना है कि हमारे यहाँ इस तरह से रोज रोजगार मेला लगता है जिसमें बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी को दूर किया जाता है।